हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टोनी स्टार्क के बारे में। टोनी स्टार्क को जीनियस क्यों कहते हैं, मैं इस वीडियो में आपको 6 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से टोनी को जीनियस कहते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला रीज़न है, क्या आपको याद है कि जब एवेंजर्स 1 में टोनी स्टार्क स्पेस में जाता है चितोरी शिप को ब्लास्ट करने के लिए, तब टोनी बेहोश होता है और उसकी जान मुश्किल से बचती है। उसके बाद आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क मार्क 42 आर्मर बनाता है जिसमें ऑटोनोमस प्रोपोशन सिस्टम होता है जिससे टोनी स्टार्क कहीं से भी उस आर्मर को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड रीज़न, जब आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क को टेररिस्ट किडनैप करते हैं तब उनसे बचने के लिए टोनी स्टार्क एक छोटी सी गुफा में आर्मर सूट बनाता है, लेकिन जब आयरन मैन के पार्टनर ओब्दिया स्टेन हायर करता है साइंटिस्ट के ग्रुप को आर्क रिएक्टर बनाने के लिए, तो सब फैसिलिटीज देने के बाद भी वो लोग आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पाते हैं। इससे स्टेन को पता चलता है कि आयरन मैन सच में एक जीनियस है। रीजन 3, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब वांडा अजीब सी विजन दिखाती है ब्रूस बैनर को, उसके बाद ब्रूस बैनर कंट्रोल खो देता है अपने आप से, तब टोनी हल्क को कंट्रोल करता है हल्क बस्टर से। इससे पता चलता है कि टोनी स्टार्क पहले से ही जानता था कि हल्क से एक ना एक दिन आमना सामना होगा, इसलिए टोनी स्टार्क हल्क बस्टर को बनाया था। रीज़न 4, आयरन मैन 1 में टोनी स्टार्क एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है तब टोनी स्टार्क की पहली सूट फ्रीज हो जाती है। उसके बाद टोनी स्टार्क गोल्ड टाइटेनियम अलॉय से आयरन मैन सूट को बनाता है जिसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इससे पता चलता है कि टोनी स्टार्क अपनी गलती से सीखता है। रीजन 5, जब थानोस टाइटन प्लैनेट पर अटैक करता है तब थानोस और आयरन मैन की आमना सामना होती है। तब थानोस आयरन मैन को देख कर कहता है कि तुम एक ही नहीं जिसको ज्ञान की श्राप मिला है। इससे पता चलता है कि थानोस भी आयरन मैन को जीनियस मानता था। रीजन 6, मार्वल की एक कॉमिक बुक में आयरन मैन की IQ 186 बताया गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन की IQ 160 है जिन्होंने ब्लैक होल को इन्वेंट किया और कई सारी थ्योरीज भी दी। इससे पता चलता है कि आयरन मैन सच में एक जीनियस है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।